हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात मोटिवेशनल। आज हम बात कर रहे हैं क्या शुभ क्या अशुभ भाग दो के बारे में। पहले आपने इसका भाग एक देखा होगा। गोरैया चिड़िया का घर में घोंसला बनाना बहुत शुभ माना जाता है। ये सकारात्मकता का सूचक है। इसका अर्थ होता है कि घर में धन समृद्धि और सुख शांति का आगमन होने वाला है। ये माना जाता है कि आपकी संपत्ति पर घोंसला बनाने वाला पक्षी सौभाग्य या नई शुरुआत का प्रतीक है। तोता वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में आना शुभ माना जाता है। अगर आपके घर के आंगन में या बगीचे में पेड़ पर या बालकनी में कोई चिड़िया कबूतर या कोई पक्षी घोंसला बना लेता है तो ये शुभ संकेत होता है। इससे घर की तंगहाली दूर होती है और घर में खुशहाली आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तोते को बहुत ही भाग्यशाली पक्षी माना जाता है। वहीं मधुमक्खी अगर आपके घर में घोंसला बना लेती है तो ये शुभ नहीं माना जाता है। ये किसी प्रकार की दुर्घटना होने का संकेत होता है। और कबूतर पुराने महलों, खंडर, किलों और ऊंची इमारतों में रहना पसंद करते हैं। अगर कबूतर आपके घर में घोंसला बना लेता है तो ये शुभ नहीं माना जाता है। ततैया का छत्ता भी घर में रहना अशुभ माना जाता है। चमगादड़ का घर में आना ही बहुत अशुभ माना जाता है। यदि ये घर में ही डेरा जमा ले तो ये खतरे की निशानी है। घर में मुर्गी का घर बनाना शुभ माना जाता है। इसे घर में खुशी आती है और भाग्य में वृद्धि होती है। घर में काली चींटियों का घर बनाना शुभ होता है। वहीं लाल चींटियों का घर बनाना अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार यात्रा पर जाते समय रास्ते में अर्थी का दिखना शुभ माना जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार इससे आप जिस काम से जा रहे हैं वे काम सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। भिखारी का सुबह जल्दी घर आना या घर से निकलते समय दिखना शुभ माना जाता है। इससे आपका अटका हुआ काम पूरा होता है। किसी जरूरी काम से घर जाते समय या विदेश जाते समय गाय का दिखना अच्छा माना जाता है। गाय के बछड़े का दूध पिलाते हुए देखना भी शुभ माना जाता है। घर से बाहर निकलते समय शंख या घंटियों की आवाज़ सुनना भी शुभ माना जाता है। अगर आप सपने में किसी की मृत्यु या फिर खुद की या फिर दूसरे की मृत्यु देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं और कुछ नई परेशानियां आने वाली हैं। तो दोस्तों, आपको ये अंक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो क्या शुभ क्या अशुभ आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। धन्यवाद।